हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, एम्स ने अपनी वेबसाइट पर एम्स एमबीबीएस एग्जाम जो 25th और 26 मई 2019 को है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डाल दिए हैं। इसमें हम देखें तो इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट पर लिखा है कि आप अपना एडमिट कार्ड एम्स एग्जाम्स डॉट ओ आर जी से डाउनलोड कर लें, उसमें अलॉटेड सेंटर, शिफ्ट और टाइमिंग वगैरह चेक कर लें। ये एडमिट कार्ड ओरिजिनल ही मान्य होगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। इसमें आईपी एड्रेस और डेट क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इस एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इनको आप रीड कर लें और एडमिट कार्ड की एक कॉपी संभाल के रखें, ये आपको एडमिशन के टाइम में काम में आएगी। इसमें दो नंबर पॉइंट पर लिखा है कि आप एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहले विजिट कर लें, सेंटर के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का अपना अरेंजमेंट कर लें। तीन नंबर पॉइंट पर लिखा है कि एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा है और इसमें इंट्री क्लोजिंग टाइम भी लिखा है। इसके बाद किसी भी कैंडिडेट को इंट्री नहीं दी जाएगी इंट्री क्लोजिंग टाइम के बाद में। इसमें चार नंबर पॉइंट पर लिखा है कि आपको सिर्फ तीन ही आइटम अलाउड हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहले है एडमिट कार्ड, उसके बाद में जो दूसरा आइटम आप ले जा सकते हैं वो ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ आपको ले जाना है, और ये हो सकता है ये पासपोर्ट, आधार कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल प्रिंट आउट, इसके बाद में पैन कार्ड, इसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, इसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड 12वीं क्लास का, ये फोटो जिस पे आपका फोटो लगा हो वो ले जा सकते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आप जो नहीं ले जा सकते वो है कि आप स्कूल कोचिंग सेंटर आधार इनरोलमेंट रिसिप्ट भी नहीं ले जा सकते, फोटोकॉपीज वगैरह इनकी नहीं चलेंगी। अगर आपने स्कैन कर रखी है आईडी वो भी नहीं चलेगी, और आईडी आपने अगर मोबाइल फोन में स्टोर कर रखी है वो भी नहीं चलेगी इसमें। इसके बाद में आपको दो रीसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ ले जानी है जिनका वाइट बैकग्राउंड हो, एक आपको एडमिट कार्ड पर पेस्ट करनी है और दूसरा वहां पर अटेंडेंस सीट पर लगाना है। तो आपको दो रीसेंट साइज ये पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ ले जानी है। इसके बाद में पांच नंबर पॉइंट पर लिखा है कि एम्स द्वारा किसी प्रकार का कोई ड्रेस कोड स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आप वेदर के अनुसार ही ड्रेस पहन के जाएं। इसमें आपको कैप्स वगैरह, स्कार्फ्स और जो सिमिलर हेड गेयर्स हैं ये आपको नहीं ले जाने हैं, गॉगल्स वगैरह। इसके बाद में जो मोटे सोल के फुटवेयर हैं वो भी नहीं पहनने आपने, और मेटेलिक बटन्स जो लार्ज हैं वो भी आपने नहीं पहन कर जाने हैं। इस प्रकार के कपड़े नहीं पहन के जाने हैं जिस पर मोटे बटन वगैरह लगे हुए हों। अगर आप पारंपरिक पोशाक में जाना चाहते हैं तो एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहले विजिट कर लें ताकि चेकिंग वगैरह हो सके। इसमें आगे लिखा है कि ये मोबाइल फोन, रिस्ट वॉचेज, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, इस प्रकार के आइटम आप नहीं ले जा सकते हैं, जिसमें इस प्रकार के आइटम भी नहीं ले जा सकते जिसमें डाटा ट्रांसमिशन वगैरह या रिसिप्ट हो, इस प्रकार के आइटम भी नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद पेन, पेंसिल, पेपर, बुक्स, बोटल्स वगैरह भी आप नहीं ले जा सकते हैं इसमें। पेन वहाँ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा रफ वर्क के लिए, बाकी ये कंप्यूटर एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो इसमें आपको कंप्यूटर से ही पेपर हल करना है, इसलिए आपको पेन वगैरह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आगे लिखा है कि कीबोर्ड आपने यूज़ नहीं करना है। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर पॉपअप डिस्प्ले होगा, तो वहाँ से आप उसके ऊपर क्लिक करके आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें राइट साइड में क्वेश्चन प्लेट होता है, उस क्वेश्चन प्लेट में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने रिव्यू में रखा है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर बाद में देना चाहते हैं तो आप उसको रिव्यू में रख सकते हैं इसमें। इसके बाद में इसमें यह लिखा है कि आप रफ वर्क के लिए एडमिट कार्ड का बैक साइड यूज कर सकते हैं, और ये एग्जाम खत्म होने के बाद में ये एडमिट कार्ड आपने एग्जामिनर को हैंड ओवर करना है। इसके बाद में एग्जाम खत्म होने के टाइम तक आपने एग्जाम हॉल नहीं छोड़ना है, एग्जाम खत्म होने के बाद ही एग्जाम हॉल आपने छोड़ना है। तो दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह एडमिट कार्ड पर भी लिखे हैं और इसके प्रोस्पेक्ट्स में भी लिखे हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी थी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो एम्स ने अभी रिसेंटली अपने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, तो आप इनको फॉलो करें। तो
तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।